बहु अख्तर ते रानी मेरी बढ़िया चांगरा मार दे सा और मेरी वाली गल गोटू बेर खा ले जा मेरी वाली रोट मार दे और नहीं नहीं कोई रोट नहीं मारदा चुप कर ला भी गल सुन तेरे ना दा कोई नारा लावे ते भावे ना लावे मैं जो लाने वास्ते तैयार खलोता हां पर पहले मेरी एक सब भरा तजवीज सुन लो सुनाओ मैं सुन रहा खुल खुला के लो भी सब भरा गौर नाल सुनो अल्लाह दे फजलो करम नाल असी स्कूल बनाने ते कामयाब हो गए हूँ मेरी राय यह वे कि इस स्कूल का नाम रशीद मिडल स्कूल चक नंबर 28 रखा जाए क्योंकि मर्द वाले ने यहो जी कुर्बानी दी है जिन्हों असी सारी उम्र अपने दिल चो नहीं भुला सकते मैं इस तजवीज की तारीफ करनी तुहाडे सब भरावां दा शुक्रिया लो भी सवेरे सब अपने अपने बच्चे स्कूले भेज देना हुण तुसी जा सकदे हो नाल दे पिंड दे दोवें तरखान ते जीरा मेरे कोल रहणगे बाकी दा काम असी रातों रात आपे मुका लांगे बाऊ जी अज मेरी वारी है ते कोई गल नहीं ते जे मैं भी अपने वड्डे भरा वांगू तुहाडे तों कुर्बान हो गया ते मेरे नां दे इक हस्पताल बना देना खुल खुला के जे इन्ना ही डर लगदा है ते मैं फिर इत्थे रह पवां नहीं कालो तू बेफिकर होके जा मैं इहदा ध्यान रखांगी नहीं जी नहीं मेरा ख्याल है तुसी भी घर जाके आराम करो थके होयो सवेरे आके बच्चियां नूं पढ़ाना विजे जिने ताडी मर्जी चल निकालो असी चलिए ओ बाबा छप्पर ध्यान नाल काम कर ओ बाबा ए छप्पर किन्ने चिर च बन जांगे ए काम तो दो च दिनां दा बाऊ जी पर असी इंशाल्लाह सवेर तक मुका देंगे मैं ते कहना भी सवेर तो पहले ही मुका दो चंगा आ दो घड़ियां असी भी ठुमका ला लिए खुल खुला के अरे तू पुत्र इथे ठुमका ला हां ते मैं जरा उधर काम कर देखा सो जा ना तुसी काम कर देखो ते मैं थोड़ा जा ठुमका ला ला आ हा हा ओए ओए उठाई जी रे तन बोल नहीं रहा यू चक्के अंदर आ जल्दी जल्दी कर बाबा वे बाबा छपड़े तू छपड़ बना ते मैं तेन बैंड सुनानी हां हां अरे आओ उधर तक आ सुन मंजूर डंगर 300 रुपए दिते ही नहीं ये दिते ते कटे नहीं चलो फिर वसूल कर लेंगे ओ मैं क्या मुंशी वो हाले तक कराए नहीं सेट इतने मैंने कहा जी वो फीका जरा कमीना जहा बंदा है जी मेरे ख्याल में मुर्दे की जेबा टो रहा होना जी भाई जान घबरा क्यों गए हो मैं तुहाडा बंदा तुहानू वापस करन आया ओ की गल है फीका ओ बोलता क्यों नहीं किधर लड़ते नहीं पिया इन्हें मैनू जानो मारन की अज तीसरी कोशिश की है भाई जान तुहाडे कहण ते जां अपनी मर्जी नाल इहदे मुतलक फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता तू मेरे से इसलिए शक करना है कि मेरा नौकर है तेन जेल किस तरह हो कमीनिया तू मेरे टुकड़े से पल के मेरे कलेजे हाथ पाए मैं तो जेल ना लड़ना से गया था चौधरी साहब बहुरी एवं बेचारा इन्हें किसी नु की मारना है अख्तर तेन एवं शक ही पै गया शक तो मैं तुहाडे ते भी है भाई जान पर तुहानू हाथ मैं उदों पावांगा जदों मैनू यकीन हो जाएगा गल कर लगे ना भुलिया कर कि मैं तेरा वड्डा भरा भी हाँ इसे गल ते मेरे हाथ बन्ने हुए ने भाई जान तुसी भी कन खोल के सुन लो मैं तो बाद कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करांगा चौधरी साहब ओए माफी भी केड़ी गल चलिया तू पुराने खूह ते पहुंच मैं तेरे पीछे ही आया अज ये गल निबड़ जाए तो चंगा चौधरी
मारी जी के आप फिर चल गई है। हुण ते सारी गल ही खुल गई है। मैनू ते पहले भी रहमत ते ओदे बंदियां ते शक सी। तौबा तौबा, जालिम ने प्राण मरवाण तो भी फर्क नहीं किया। यह ते रब की जात ही सी जिहड़ी बावख्त नूं बचांदी आई है। मेरी सलाह थाने चलीए, फीके नूं पुलिस फंड चाड़ी ते अगलियां पीढ़ियां सारियां गल्लां दस देगा। हुण बहु अख्तर नूं भी ते चाहिए ना कि मेरे भरा दे कातलां नूं फाह लवाउण दी कोशिश करन खुल खुला के। तू मेरे ते भरोसा रख जीरिया, मैं शुद्धे दे कातल नूं कदी भी माफ नहीं करांगा, भावें मेरा भरा ही क्यों ना होवे। मेरे सीने च भी तां ही ठंड पैगी बाऊ जी, जदों सारे फाह लग जाणगे। तू फिक्र ना कर जीरिया, एक गल याद रखी कि मजलूम दे हाथ एक ना एक दिन जालम दे गले तक पहुंच ही जाते ने। अख्तर फीके नूं मारदा मारदा मेरे वल आया, मैनूं कहण लगा तू शीदे दा कातल है। पर तू फीके वर्गे बंदे नाल क्यों रखे होने, लुचियां दी सोबत शरीफां नूं भी खराब कर दिंदी है। ओ मैं फीके नूं फाह लैणा है, मैं उन्हें ऐसा कट आया मुड़े इस पिंड च नहीं आएगा। तुसी ए भी बुरा कीता है भाई जान, पिंड वाले समझणगे तुसी फीके नूं किरे नसा दित्ता है। ओ तू मेरे की पेश पिया है, कमियां दी खातर क्यों मेरी इज्जत दा दुश्मन होया है। है तेरा दुश्मन किवें हो सकदा, भरा दी भरा दा दुश्मन होया कदी। तू एदे नाल रल के ते पिंड वालियां दे दुख दर्द मंडाया कर रहमत। कमियां नाल साडा की भाईचारा होया मां, असी इस पिंड दे मालक आ। ए भी तुहाडा भुलेखा है भाई जान, पिंड दे मालक असी नहीं, ए होई कमी ने जिन्हां दे मत्थे दा पसीना जमीन ते डिगदे सोना बन जांदा। ओ भाई मेरे बल्ले ते कुछ नहीं पिया, पर तू गल ही छड्ड, सुना तेरे स्कूल दा की हाल है। तुहानू शायद सुन के खुशी ना होवे, कल तो स्कूल च बकायदा पढ़ाई शुरू हो रही जे। चंगी गल है, पढ़ी जाओ पढ़ा। ब्लैक बोर्ड से लिखे ने तुसी सारे जने अपनी अपनी फटियां ते खुश खत करके लिखो। अच्छा बाजी जान जी, जीया ये पुठे पासे क्यों लिखना है, वो सीधी तरह फटी लिखो। क्यों इस पासे लिखना फटी अच्छी पाई होंगी, इन्हें मेरी बोझ में तो पुठ नहीं होती, मैं अगलो लिखूंगा। खबरदार मैं ना चार पाई हट जाना नहीं। आपा जी मेरा कोई कसूर नहीं। चुप करके मेरी गल सुन, सियाने कहते ने अनपढ़ बंदा अन्या नाल बत्तर होंदा है। तुसी फिक्र ना करो आपा जी, असी फाके मार जांगे पर पढ़ना नहीं छड्डांगे। ओ सवेर दियां गल्लां ही करन दिया है, कुछ पढ़िया भी हो तुसी आपा जी कोल पुछदा, मैं तो सवेर तक कलम ही नहीं हत्था छड्डा। बिल्कुल आ जाओ ऐसे ही हो जीरा साहब, बह जाओ। ये सारे बच्चे तो अपने पिंड के लगते ने, नाल दे पिंडों चो कोई बच्चा पढ़न नहीं आया। जोई नाले विच हड़ आ गया अख्तर साहब, रस्ते बंद हो जाण दी वजह नाल नाल दे पिंडां दे बच्चे पढ़न नहीं आ सके। मतलब रोई नाले ते छेती पुल पाना पाएगा। यह स्कूल असी सारे इलाके की बेहतरी लिए बनाया, ते जे नाल दे पिंडां दे बच्चे आके इत्थे ना पढ़े ते फिर स्कूल बनाने का की फायदा। तुसी फिकर क्यों कर दे हो, जिस तरह स्कूल बन गया इस तरह ही पुल बन जाएगा। अज स्कूल तो फारग होंदे ही असी मौका वेखन चलांगे। आपां जी मैं भी नाल चलांगा। और तू किथे चले मरेगा, तो पहले पढ़ ते लै।